मंगलवार का दिन रहा जन सुनवाई के नाम, दूर दूर से लोग पहुंचे कलेक्ट्रेट ऑफिस अपनी समस्याओं को लेकर। जन सुनवाई में काफी दूर से लोग आते हैं, सभी को उम्मीद होती है। जन सुनवाई में कलेक्टर कमिश्नर जैसे जिले के वरिष्ठ लोग बैठते हैं, इसलिए उनको न्याय मिल सकता है। लेकिन हम आपको बता दें, मंगलवार की जन सुनवाई में कुछ लोग ऐसे भी थे जो लगातार 3 सालों से अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी किसी तरीके की कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। अगर कोई जांच करने पहुंच जाता है तो वह सरपंच और सेक्रेटरी के पास बैठकर लौट आता है, ऐसा कुछ कह रहे थे शिकायतकर्ता। शिकायतकर्ताओं का कहना है, कभी किसी ने उनसे कभी कोई बात नहीं की। हम आपको ऐसा ही एक मामला सुनाते हैं। मामला है सिरमौर के हिनौता 583 का। इन लोगों का कहना था, हमारा नाम आवास की सूची में नहीं है, हमारा नाम शौचालय की सूची में नहीं है, हमारे गांव में जिनके नाम जुड़े हैं उनके पक्के मकान हैं, उनके पास ट्रैक्टर है, उल्टा हम लोगों को धमकी दी जाती है, तुम्हारा नाम गरीबी रेखा से भी गायब कर दिया जाएगा। आइए किसी तरीके की शिकायतकर्ता की बात हम आपको सुनाते हैं। हम यहाँ ये हमारे ग्राम पंचायत बरवा हिनौता 583 के हैं और जनपद पंचायत सिरमौर, ये पूरे जितने भी आदिवासी समाज के बैठे हुए हैं, कम से कम 200 आदमी। इनका क्या है कि आवास में न तो शौचालय में किसी भी चीज़ में इनका सूची पे नाम नहीं, किस लिए नाम नहीं है, ठीक है। हर एक व्यक्ति को जिनके पास पक्का बना हुआ, जिनके पास ट्रैक्टर है, ट्राली है, सब चीज़ें, उनको हर चीज़ का लाभ मिल रहा है, लेकिन ये गरीब है, इनके घर में एक दीवार आधी गिरी है तो लकड़ी लगा के बल्ली लगा के ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए सरकार पैसा नहीं दे रही है, ठीक है। इनके लिए पंचायत सरपंच सेक्रेटरी इनके पास जाते नहीं है, ये नहीं पूछते कि आपको कष्ट क्या है, आपको समस्या क्या है, बस हो गया जाएंगे। अगर ये लोग जाके उनसे बोलते हैं ना कि हमको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो इनको उल्टा पुल्टा धमकी दी जाती है कि राशन कार्ड से नाम काट देंगे, तुम्हारा गरीबी रेखा से नाम काट देंगे, तो क्या ये जाएं तो जाएं कहाँ ये लोग। क्या किया आपने, कहाँ शिकायत की इसकी? मैंने कमिश्नर साहब के यहाँ शिकायत की, 3 साल से लगातार दौड़ रहा हूँ, 3 साल से, लेकिन अब तक ना तो कोई जाँच करता गया, जो भी जाँच करता गया हमको सूचना नहीं हुई। हमको बाद में दूसरों से पता चला कि पंचायत में जांच करता है, लेकिन हमारे शिकायतकर्ता के पास जांच प्रभारी आज तक कभी नहीं पहुंचा। सिर्फ शिकायतकर्ता के बाद में पता चलता कि जांच करने वाले आए, सरपंच सेक्रेटरी के घर में बैठे थे और उसके बाद वो सरपंच सेक्रेटरी के घर बैठ के जांच करके चले गए। क्या न्याय चाहते हैं? क्या हमको पता ही नहीं, हमने तो शिकायत जैसे आज हमने शिकायत की, इसका निराकरण जांच प्रभारी जो भी PCO जिसको पंचायत इंस्पेक्टर जिसको ही बनाया जाएगा, वो हमको कभी सूचना नहीं देगा कि हम आपके यहाँ जांच करने आ रहे हैं तो आप हमको कल पंचायत भवन में या कहीं मिलिएगा। वो सिर्फ सरपंच सेक्रेटरी के घर जाएंगे, लेन देन करेंगे और उसके बाद जाँच समाप्त हो जाएगी, हमारे मोबाइल में मैसेज आएगा कि आपने जो शिकायत की उसका निराकरण हो गया। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इन गरीबों को इनका हक मिलना चाहिए। कुल कितने लोग होंगे ऐसी जो परेशानी है? कम से कम नहीं तो 300 परिवार ऐसे जो परेशान हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है लेकिन उनको नहीं मिल रहा है, लेकिन जिनके पास ट्रैक्टर ट्राली हर सुविधा है, उनको आवास मिल रहा है, उनको शौचालय का पैसा मिल रहा है। प्रशासन नहीं करता तो आप क्या करेंगे इसके लिए? प्रशासन नहीं करता तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे और यहीं बैठेंगे, कलेक्टर साहब के सामने बैठेंगे और हर एक शासकीय कार्यालय में बैठेंगे। वहीं एक दूसरे मामले में बरगावा जो कि चुरहटा थाना अंतर्गत आता है, शिकायत लेकर पहुंचे एक व्यक्ति जिनका नाम राम सलोने है ने बताया, उन्होंने आवासीय योजना के तहत एक मकान बनाया था, वहीं पर एक खेत था जिन्होंने रात में अपने खेत में आग लगा दी जिससे उनका घर भी जल गया। उन्होंने आग लगाने वाले के खिलाफ शिकायत भी की थी लेकिन उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता का कहना, उनका लगभग 2.5 लाख रुपये का नुकसान हो गया। ये दुर्घटना हो गई हमारे यहाँ, हरी थी, बोर था और उसमें अनाज गल्ला रखा था, एक लड़का रहता था, तो आवासीय योजना था, आवासीय घर था, उसको राम सूर्यवंत त्रिपाठी पिता केदार प्रसाद त्रिपाठी ने अपने खेत में लगाए और उनको मना किया गया कि हमारी हरी जल जाएगी, भैया ऐसा न करिए, रात्रि के समय था, वो आग लगा दी, अपने खेत में भाग गए। अब उनको हमने बुताने की कोशिश की लेकिन बुता नहीं पा, पूरा खाक हो गया सर। कितने का नुकसान हुआ? कम से कम नहीं 2.5 लाख का नुकसान हुआ। तो रिपोर्ट नामजद हुई? हाँ, नामजद रिपोर्ट है सर,
उनकी गिरफ्तारी भी हुई? गिरफ्तारी नहीं हुई, वो फरार हैं, भोपाल चले गए, पुलिस के रिटायरमेंट हैं, अब वो चले गए। थाना वाले कहते हैं कि वो मिलता नहीं है, तो क्या करें हम, 3 माह होगा अभी FIR दर्ज नहीं हुई साहब। हम सब कलेक्टर साहब के यहाँ, SP साहब के यहाँ तमाम भाग रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है।